सो हेलो गाइस, आपका मेरे चैनल टेक्नोलॉजी अपन स्टडी विद गेम्स पर स्वागत है। तो आज हम करेंगे डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की तरफ से दी जाने वाली वर्कशीट नंबर 2, जो कि है क्लास 7th की और सब्जेक्ट है सोशल साइंस और डेटेड है 16th of July 2021। तो आइए करते हैं हम अपनी वर्कशीट स्टार्ट। बट उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो आज का हमारे वर्कशीट का टॉपिक है सैटेलाइट्स। तो सैटेलाइट्स देखिए, जस्ट ऑल द प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन, सिमिलरली सम सेलेस्टियल बॉडीज रिवॉल्व अराउंड द प्लैनेट्स विच आर कॉल्ड सैटेलाइट्स। तो इसमें क्या बोल रहे हैं कि जैसे ऑल प्लैनेट्स रिवॉल्व करते हैं, मतलब कि घूमते रहते सन के आसपास, वैसे ही कुछ सेलेस्टियल बॉडीज हैं जो कि कुछ प्लैनेट्स के आसपास घूमते रहते हैं, उसे उन्हें सैटेलाइट्स कहते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ सैटेलाइट्स, नेचुरल सैटेलाइट्स एंड मैनमेड सैटेलाइट्स। तो नेचुरल सैटेलाइट्स मतलब कि प्रकृति के देन वाले सैटेलाइट्स, और मैनमेड सैटेलाइट्स मतलब कि इंसानों द्वारा बनाए गए सैटेलाइट्स। तो देखिए, द मून इज द ओनली नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ। तो मून है नेचुरल सैटेलाइट अर्थ का। द मून मूव्स अराउंड द अर्थ इज अबाउट 27 days। इट टेक्स एक्सैक्टली द सेम टाइम टू कंप्लीट वन स्पिन। एज अ रिजल्ट ओनली वन साइड ऑफ द मून इज विजिबल टू अस ऑन द अर्थ। तो इसमें क्या बोल रहे हैं कि मूव जो चंद्रमा है वो घूमते रहता है पृथ्वी के आसपास पूरे 27 दिन तक, और जो कि एग्जैक्टली सेम टाइम पे कंप्लीट करता है एक स्पिन 27 दिन में, जो कि उसका परिणाम क्या है कि एक ही साइड हमें विजिबल होता है देखने के लिए। डायमीटर ऑफ द मून इज ओनली 1/4 डेप्थ ऑफ द अर्थ। तो डायमीटर क्या है मून का, सिर्फ 1/4 है जो कि अर्थ साइड पे दिखता है हमें। इट अपीयर्स सो बिग बिकॉज इट इज़ नियरर टू आवर प्लैनेट देन अदर सेलेस्टियल बॉडी। तो इसमें क्या बोल रहे हैं कि ये हमें बड़ा दिखता है क्योंकि बाकी सैटेलाइट सेलेस्टियल बॉडीज हैं ये बहुत पास में। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, देयर इज नेदर वाटर नॉर एयर ऑन द मून। तो इसमें बोल रहे हैं हवा पानी चंद्रमा पे कुछ नहीं है। There are mountains, plains and depressions on its surface. तो इसमें क्या बोल रहे हैं, ऊँचे ऊँचे पहाड़ है, plains हैं और depressions हैं उसके surface पे। The moon has no light of its own. It is illuminated by sunlight. तो इसमें क्या बोल रहे हैं, चंद्रमा के पास अपनी खुद की रोशनी नहीं होती, वो सूरज से उधार लेते हैं, मतलब कि सूरज से लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, नील आर्मस्ट्रॉन्ग वाज द फर्स्ट पर्सन हु फर्स्ट स्टेप्ड ऑन द सरफेस ऑफ द मून ऑन 20 July 1969। तो इसमें क्या बोल रहे हैं, नील आर्मस्ट्रॉन्ग एक पहला व्यक्ति था जिसने चांद पे कदम रखा था, अपना पहला कदम रखा था, जो कि कदम रखा था उसने 20 July 1969। मैनी एफर्ट्स हैव बीन मेड बाय डिफरेंट कंट्रीज टू फाइंड आउट मोर इंफॉर्मेशन अबाउट द मून फ्रॉम इंडिया चंद्रयान। तो इसमें क्या बोल रहे हैं कि बहुत सारे देशों ने बहुत सी कोशिश की कि वो इंफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा निकाल पाए मून के बारे में। चंद्रयान भी निकाला था, चंद्रयान 1 has been sent in 2008 and Chandrayaan-2 in 2019 mein send kiya gaya. You must have experienced that the moon appears at different times. To isme kya bol rahe hai ki aapko experience ho chuka hoga moon jab dikhta hai kai baar wo different size ka hota hai. Har jab bhi wo chandrama dikhta hai to हमें वो अलग डेली अलग अलग साइज़ में दिखता है और शेप में, और अलग अलग समय पे भी दिखता है।
इन डिफरेंट पोजिशंस, उसकी पोजिशंस भी अलग होती हैं। द नाइट इन विच द फुल मून इज विजिबल इन द स्काई इज अ फुल मून नाइट और पूर्णिमा। तो इसमें क्या बोल रहे हैं, रात में किसी एक रात में पूरा चांद दिखता है हमें, और जो कि पूरा आसमान में दिखते रहते हैं सबको, फुल मून या नाइट कह सकते हैं या फिर पूर्णिमा कह सकते हैं उसे। द नाइट व्हेन द मून इज नॉट विजिबल इन द स्काई इज द न्यू मून नाइट और अमावस्या। तो ऐसे कहें जैसे कि एक रात जब हमें चांद नहीं दिखाएगा देगा तो इसे कहेंगे न्यू मून नाइट या फिर अमावस्या। तो आइए करते हैं नेक्स्ट। ड्रॉ पिक्चर ऑफ द डिफरेंट फेसेस ऑफ द मून इन द नाइट स्काई इन द गिवन स्पेस। तो इसमें क्या बोल रहे हैं कि चंद्रमा का पिक्चर बना रहे हैं, तो आराम से इजीली फुल मून का बना सकते हैं, फेसेस ऑफ द मून अलग अलग फेस पे बना सकते हैं, टोटल मतलब कि फेस पता नहीं है, और न्यू मून का भी बता सकते हैं, मतलब न्यू मून जब आया हो तो बिल्कुल एकदम हल्का हल्का लगा सकते हैं। एक्टिविटी नंबर वन, इन द मंथ ऑफ जुलाई फाइंड आउट द डेट्स ऑफ द फुल मून द न्यू मून। तो इस मंथ में, इस जुलाई के मंथ में आपको डेट फाइंड करनी है फुल मून की और नए मून की, मतलब कि पूर्णिमा की और अमावस्या की। तो आइए करते हैं इसका आंसर। तो मैं आपको अमावस्या का बता देता हूँ, 9 जुलाई को, मतलब 9 जुलाई को हुआ था और 10 जुलाई को थे अमावस्या। आप फुल मून का आप खुद लिख सकते हैं, मतलब कि खुद फाइंड करके लिखेंगे, इतना छोटा सा वक्त मैं आपको सौंपता हूँ। नेक्स्ट, मैन मेड सैटेलाइट्स आर कॉल्ड आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स। जो मैन मेड सैटेलाइट होते हैं उन्हें हम आर्टिफिशियल सैटेलाइट भी बोल सकते हैं। दीज आर मेड बाय साइंटिस्ट, दे आर सेंट टू स्पेस बाय रॉकेट एंड आर इंस्टॉल्ड इन अर्थ ऑर्बिट, जो कि इंस्टॉल है अर्थ के ऑर्बिट पे। विद देयर हेल्प वी गेट इंफॉर्मेशन अबाउट द यूनिवर्स। तो इसकी मदद से हम पूरे यूनिवर्स की इंफॉर्मेशन जान सकते हैं। विद द हेल्प ऑफ दिस वी कैन यूज़ द कम्युनिकेशन मीडिया GPS एंड टेलीविजन। सम ऑफ द इंडियन सैटेलाइट्स प्रेजेंट इन स्पेस आर INSAT, IRS, EDU-SAT एक्सेट्रा। तो ऐसे कई सैटेलाइट प्रेजेंट हैं स्पेस में। तो एक्टिविटी नंबर टू देखिए, फाइंड आउट सम अदर यूजेस ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट इन डेली लाइफ। तो आप फर्स्ट मैं आपको बता देता हूँ, फॉर वॉचिंग टेलीविजन TV। नेक्स्ट आपको खुद ढूंढ के करना है, मैं अपना वक्त आपको देता हूँ। तो आज की हमारी वर्कशीट कंप्लीट होती है, वर्कशीट कंप्लीट करके आप मेरे टीचर से ज़रूर चेक करवाइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक यू एंड बाय।